हेलो फ्रेंड्स, तो आप भी कुछ बाइक मैनिपुलेशन करना चाहते हैं अपने पिक्सार्ट मोबाइल में? बहुत ही इजी तरीके से आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ये पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप मैंने एडिटिंग दिखा है, बिना स्किप कीजिए, देखिए इसे। तो पहले फोटो को पिक्सार्ट में हम लोग शेयर कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे ड्रॉ में, क्योंकि हम लोग को फ़ोटो कट करना है। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ में लेकर चले जाते हैं फ़ोटो को, और जो हमारा लेयर है, लेयर को हम लोग नीचे कर लेंगे, और नीचे करके ऑब्वियसली हम लोग ग्रीन जो सिलेक्ट करते हैं कलर, वो सिलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ से इरेज का टूल ले लेंगे, और जो 3 नंबर ब्रश है उसको 9 साइज में सिलेक्ट करके हम लोग जो है पूरा बॉर्डर सिलेक्ट करके पूरा इरेज कर देंगे। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना गाइस, वरना आप लोग को जो मैनिपुलेशन होता है जैसा लाइक फोटोशॉप, वैसे ही आप लोग को पिक्सार्ट में मैं एकदम ईजीली तरीके से बता रहा हूँ। मे बी थोड़ा टाइम लगे वीडियो को, लेंथ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, थोड़ा मीन्स 20 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, आप ये वीडियो देखकर बहुत ही कुछ सीख जाएंगे, तो आप मैनिपुलेशन करने में आपको एकदम इजीली लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। तो हम लोग पहले जो फ़ोटो है उसको पूरा हम लोग लाइनअप करके ले लेंगे, यानी कि जो बॉर्डर है हमारा फ़ोटो का, वो हम लोग लाइन से पूरा बॉर्डर ही इरेज करेंगे, ताकि जो फ़ोटो है वो फटाफट हम लोग का इरेज हो जाए। और ये बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे। फ़ोटो आपको इरेज करने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स जाएगा पूरा इरेज, ना ही आपका बॉर्डर। आप लोग का हाथ से जस्ट शेप बिठाना है, आप एकदम इजीली तरीके से आप फ़ोटो को शेप दे सकते हो, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से ना ही खाई करना है, वैसे ही आपको पूरा फोटो को शेप देकर ही इरेज करना है। मैं आप लोग को पूरा वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ अलग ऐप से एडिटिंग करते हो, कुछ अलग ऐप से कुछ इरेज करते हो, क्योंकि मैंने इरेजर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया आप लोग को, फिर रिमूव बीजी करके एक वेबसाइट है उसमें भी बताया, बट मैं मैनुअली पिक्सार्ट से ही इरेज करता हूँ, क्योंकि इसमें जो हम लोग जो शेप करते हैं वो एकदम प्रॉपर आता है अपने मैनुअली तरीके से, क्योंकि हम लोग खुद करते हैं ये, लाइक जैसा फोटोशॉप जैसा होता है ये। तो हम लोग फोटो को पूरी तरीके से जो शेप से इरेज करना है वो हम लोग पूरा इरेज कर लेंगे। और ये जो चश्मे वाला पार्ट है, ऐसे हम लोग बाद में अंदर का जो है वो मैं आपको मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा, ये ताकि मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया, ताकि हम लोग जो है ये पूरा इरेज कर ले। तो यहाँ से हम लोग ब्रश जो है इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे, ताकि जो चश्मे के अंदर का है वो हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से इसको इरेज करें। तो उसको भी पहले शेप ही दीजिएगा गाइस, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगे, थोड़ा आराम से आप रिमूव करो ये, ताकि अंदर का जो पार्ट है एक्स्ट्रा ना रिमूव हो, वरना पैक करके थोड़ा बहुत उसको अंडू कर सकते हो, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक बाद में एडिटिंग के बाद वो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप वो मिस्टेक करे थे। तो ये हमारा जो है वो हम लोग ने रिमूव कर लिया पूरा शेप देकर। तो हम लोग इजीली तरीके से अभी जो है हम लोग जो स्क्वायर वाला मैं लेने वाला हूँ, ये स्क्वायर वाला, और नीचे यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग, और यहाँ से हम लोग वापस जो है साइड के पार्ट्स नहीं चाहिए हम लोग को, वो हम लोग बैकग्राउंड बहुत ही इजी तरीके से पूरा इरेज कर देंगे। इससे आपका टाइम बहुत ही बचेगा, आपको पूरा बैकग्राउंड इरेज करने की उतनी ज़रूरत नहीं, आप फटाफट इसी तरीके से आप इरेज कर सकते हो। और जो साइड साइड का पार्ट रहेगा उसको हम लोग दूसरे ब्रश से सेलेक्ट करेंगे, और उससे हम लोग इरेज कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर करके जितना भी आपको हो सकता है आप उतनी तरीके से आप स्क्वायर करके जो है बैकग्राउंड वो आप इरेज कर दो, इससे आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। फिर यहाँ से जो है हम लोग ऊपर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से 30 साइज रख कर जो साइड के एक्स्ट्रा बैकग्राउंड थे जो हम लोग ने स्क्वायर करके हटाया था, तो वो सब हम लोग इसी तरीके से एकदम फटाफट इरेज कर देंगे, ताकि जो हम लोग का फोटो है वो एकदम इसी तरीके से इरेज हो जाए। और हम लोग ने ऑलरेडी जो फ़ोटो को शेप दिया था साइज 9 रख कर, तो उसी से हम लोग का जो है बहुत ही सेविंग हो गया, क्योंकि हम लोग को कुछ बैकग्राउंड काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ने शेप देकर काट के रखा था। तो हम लोग इसे एकदम इजी तरीके से फ़ोटो को इरेज कर सकते हो, और मे बी आप लोग को इरेजर की या फ़ोटो रिमूव बीजी जो भी है एक्सेट्रा
आप लोग बहुत तरीके से आप एडिटिंग का एडिटिंग का देख रहे होगे, तो उससे आपको काफ़ी इसमें बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपको क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसी तरीके से मैं फ़ोटो इरेज करता हूँ, तो आप भी ट्राई करो इसी तरीके का इरेज करने का, ताकि आप जो मैनुअल एडिटिंग है वो एक्चुअल में कर पाओ और उसमें जो आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा कि आप मेरा फ़ोटो क्वालिटी देखते रहोगे, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आपको कोई PNG या बैकग्राउंड कुछ चाहिए रहेगा तो भी मुझे DM कर दीजिए। फ़िलहाल मैं कुछ जुगाड़ में लगा हूँ कि आप लोग को मैं बैकग्राउंड डायरेक्ट दे सकूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के, तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस। तो आप भी कुछ इस तरीके से पूरा जो है बैकग्राउंड का जो एक्स्ट्रा जो था, हम लोग को जो इमेज नहीं चाहिए थी वो हम लोग ने शेप देकर ऑलमोस्ट पूरा रिमूव कर लिया है गाइस। तो आप भी कुछ इस तरीके का एडिट करो जिसमें थोड़ा बाइक मैनिपुलेशन या कुछ अलग तरीके से। आप काफ़ी बहुत सारे एडिटिंग लोग के देखते रहोगे कि उन लोग कुछ अलग करते, आप लोग भी कुछ अलग तरीके से एडिट करो और मुझे हैशटैग में डाल के या मुझे टैग करो, मैं आप लोग को शाउट आउट दूंगा मुझे जहाँ पे अच्छा लगेगा आप लोग का फोटो। तो ये पूरा मैंने रिमूव कर लिया है, और जो ये एक्स्ट्रा वाला है उसे हम लोग साइज छोटा करके 9 में या 8 में रखकर हम लोग उसे भी पूरा रिमूव कर लेंगे, ताकि ये फोटो थोड़ा नेचुरल लगे। ध्यान रखिएगा कि कुछ जो पार्ट एक्स्ट्रा है वो आपका छूटे नहीं, तो हम लोग इस लेयर को बंद करके यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग फोटो के जो हेयर है उसको हम लोग चेंजेस करने के लिए ऑटोडेस्क यूज़ करते हैं। तो ऑटोडेस्क में कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बता दूँ। तो ये जो सेटिंग्स है, मैं यहाँ से लेयर बंद करके यहाँ से जो ब्रश है मैं स्मज ब्रश यूज़ करता हूँ। तो स्मज ब्रश के जो सेटिंग है मैं आपको बता दूँ, ये सेटिंग है, ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको काम आए। तो यहाँ से हम लोग ये सेटिंग के जो हेयर है उसे हम लोग पूरा हेयर अपने तरीके से बना लेंगे। तो ये बहुत मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम ना लूँ और ज़्यादा पोर ना हो जाओ। इसी तरीके से हम लोग अपना हेयर बना लेते हैं, और हेयर जो आपको ज़्यादा ग्रेश दिख रहा है, पूरा वाइट दिख रहा है, उसका भी मेरे पास जुगाड़ है। तो हम लोग यहाँ से ब्रश को चेंज कर लेते हैं, और ये जो ऊपर वाला ब्रश है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से जो साइज है ये सब आप देख सकते हो, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ये आप साइज अपनी सिलेक्ट कर लिया और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम लोग इस पर चलते हैं एडिटिंग पे। तो यहाँ से हम लोग जो ये हेयर है उसको हम लोग यहाँ से पूरा जो है थोड़ा डार्क कर देंगे, ताकि ये जो वाइटनेस जो था हम लोग के जो हम लोग ने स्मर्ज किया था वो नहीं रहेगा, और आप लोग इजीली तरीके से वो हेयर थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्योंकि आप एडिटिंग करोगे तो ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो वो हेयर पूरा वाइट हो जाएगा, तो उस तरीके से ये वाइट नहीं होगा। फिर जो हम लोग का हेयर रेडी हो गया, हम लोग स्किन स्मूथ करने वाले हैं। तो ये जो स्किन स्मूथ का टूल है वो आप इसका सेटिंग्स देख सकते हो, ये भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, आप लोग को बहुत ही काम आएगा ये। तो यहाँ से हम लोग फिर चले जाते हैं स्किन स्मूथ करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं स्किन स्मूथ कर लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, और आप लोग का हेयर भी एडिट हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग पिक्सआर्ट में जब बैकग्राउंड ऐड करते हो तो वहाँ से आप ऑटोडेस्क ना यूज़ करो, क्योंकि इतने सारे आप लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो उसमें कैसा है कि क्वालिटी आप लोग का डाउन हो जाता है, तो वो क्वालिटी आप लोग का डाउन नहीं होगा। तो आप लोग इस तरीके से पूरा जो है वो जो फोटो आप कटिंग करोगे उसी पे आप ऑटोडेस्क पे यूज़ करो फोटो को, ताकि जो फोटो का क्वालिटी वो डाउन ना हो, और आप जब बैकग्राउंड पे यूज़ करो तो आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पिक्सआर्ट से फिर दूसरे ऐप में जाना ना पड़े, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लाइटरूम में जाके कलर ग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेयर को क्लोज करके यहाँ से सेव डिवाइस करके फोटो को सेव कर लेता हूँ, और हम लोग चले जाएंगे पिक्सआर्ट पे जो 4x5 का हम लोग बैकग्राउंड लिए। तो यहाँ से मैं लेयर को सेट करके ऐड फोटो कर लेता हूँ, और जो हम लोग का बैकग्राउंड है वो हम लोग ले लेते हैं इसमें 3x4 का, क्योंकि जो है हम लोग इसको फोटो को ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो 4x5 का है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 4x5 का बैकग्राउंड बैठता है। तो हम लोग यहाँ से उसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करके यहाँ से राइट करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है वो हम लोग इफेक्ट में चले जाके हम लोग ब्लर करेंगे। तो मैं लेंस ब्लर करने वाला हूँ, और लेंस ब्लर का जो लाइटनेस है उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा, ताकि जो क्लाउड के यहाँ पे जो लाइट आ रहा था वो कम हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से फ़ोटो को
इरेज करके जो है नीचे के जो साइड का बैकग्राउंड है वो हम लोग थोड़ा इरेज कर देंगे, वहाँ पे हम लोग को ब्लर चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है हम लोग का मॉडल आने वाला है। तो हम लोग यहाँ से राइट करके यहाँ से फिर ड्रॉ पे चले जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे आपका एक एम्प्टी लेयर रहेगा, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग ऐड फोटो करेंगे और ऐड फोटो करके जो बाइक है हम लोग बाइक ले लेंगे, क्योंकि जो हम लोग का मॉडल है एक्टिवा पे बैठा था तो हम लोग बाइक पे बिठाएंगे उसे। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते क्योंकि एक्टिवा भी राइट के साइड पे था, तो हम लोग भी जो बाइक का जो मुंडी है वो हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो इसको भी हम लोग राइट करके एक ऐड लेयर कर लेते हैं। फिर हम लोग जो हम लोग का मॉडल है उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गाड़ी को, इस पर एकदम प्रॉपर तरीके से बिठा लेते हैं। तो ये हम लोग का जो मॉडल है वो हम लोग ट्रांसफॉर्म करके एकदम आराम तरीके से बिठा लेंगे। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐड करने हैं शेडोज़, तो हम लोग लेयर नीचे ले लेते हैं बाइक के, क्योंकि बाइक के नीचे शेडो ऐड होगा। तो ये जो शेडो है हम लोग ने ऐड कर लिया, और ये एक हम लोग का जो व्हील है वो दोनों व्हील पे हम लोग बिठाएंगे। तो ये जो है हम लोग इसको टैप कर लेते हैं, और यहाँ से जो ओपेसिटी है उसकी ओपेसिटी हम लोग कम कर लेंगे ताकि वो नेचुरल शेडो टाइप का लगे, ऑलमोस्ट वैसा लगेगा नहीं बट आप लोग कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ से कॉपी करके फिर लेयर को नीचे ले लेंगे, क्योंकि जो टायर है वो टायर के नीचे ही चाहिए हम लोग को, और बैकग्राउंड से थोड़ा चिपके रहे। तो इसी तरीके से हम लोग जो है उसको पूरी तरीके से एडिट कर लेंगे, और यहाँ से जो है हम लोग नीचे से मर्ज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से मर्ज करना मैंने नहीं बोला, हम लोग नीचे से ही मर्ज करेंगे ताकि वो बैकग्राउंड में बैठ जाए। और यहाँ से हम लोग एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, फिर हम लोग ऐड फोटो कर लेंगे। और यहाँ से जो एक मॉडल का मैंने शूज़ लिया था, क्योंकि जो स्लीपर पहना तो स्लीपर काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो हम लोग इसमें शूज़ ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन एडिटिंग है। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेलिंग बताने वाला हूँ, मे बी ये बोर लगे आप लोग को, बट ये आप लोग अगर देखोगे सीखोगे तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से आप एडिट करने लग जाओगे। तो ये जो है हम लोग जो शूज़ को हम लोग प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे, और इसको हम लोग इसके साथ ऐड कर लेंगे, और स्लीपर को हम लोग हटा देंगे ताकि ये शूज़ उसके साथ लगे, नेचुरल लगे। तो आप लोग काफ़ी मॉडल लोग के फ़ोटो देखे हो, अगर आप लोग स्लीपर पहने हो तो उस तरीके से आप जो शूज़ है हम लोग ऐड कर सकते हो, आप लोग भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को एडिट करना है शूज़ के साथ। तो ये जो फोटो है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो डे लाइट का था, तो मैंने डे लाइट का ही शूज़ वैसा लिया है मॉडल का। तो आप लोग को भी इस तरीके से ही, अगर आप लोग स्लीपर पहने हो तो आप लोग को शूज़ ऐड करना है। काफ़ी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बहुत लोग को लगता है कि कैसे ऐड किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को नॉर्मली करना है। तो हम लोग इसे एकदम थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते ताकि नेचुरल लगे। ये जो जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग उसे रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये शूज़ लग रहा है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं वो बैठा ही और उसने शूज़ पहना है। तो हम लोग और एक शूज़ ऐड कर लेते, क्योंकि जो नीचे का स्लीपर था उसे भी हम लोग को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से एम्प्टी लेयर ले लेते हैं, और यहाँ से ये जो स्लीपर पहना है उसको भी हम लोग शूज़ में चेंज करेंगे। तो ये ऐड फोटो कर लिया है मैंने, और सेम शूज़ जो है वही हम लोग लेंगे ताकि ये डे लाइट का ही इफेक्ट लगे। तो इसे भी हम लोग जो है पूरा इरेज कर लेंगे, जो जो हम लोग को नहीं चाहिए। इरेज करने का जो तरीका है वो आप लोग इसमें एकदम फास्ट थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा। बट जो सेम है शेप आप लोग को देना है, शेप देकर आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप लोग को इजीली तरीके से कट कर देना है, वैसे ही सेम इसमें करना है आप लोग को। तो इसमें कुछ मेहनत वाली बात नहीं, आप लोग भी इजी तरीके से आप कर सकते हो। बस आप लोग को थोड़ा ये वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, तो आप लोग भी इजी तरीके से आप अच्छे एडिटर बन सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि शूज़ मैंने एकदम अच्छी तरीके से एडिट कर लिया है, उसको हम लोग मर्ज कर लिए इमेज को। फिर हम लोग एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं जो बाइक के नीचे है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग और एक शेडो ले रहे हैं जो शूज़ के नीचे था, तो हम लोग शूज़ के नीचे जो है एक शेडो हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जो पहना है और उसका जो शेडो है वो ऐड होना चाहिए। तो हम लोग इसे अच्छी तरीके से ऐड कर लिए, और यहाँ से हम लोग मर्ज कर लेंगे। और एक एम्प्टी लेयर ले लेते हैं जो हम लोग का मॉडल है वो बाइक पे बैठा है, तो उस पर भी हम लोग को शेडो ऐड करना है। तो ये जो साइज़ है मैंने 70 का सिलेक्ट किया, ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, और उसको जो है हम लोग थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हम लोग शेडो देंगे ताकि ये लगेगा नेचुरल कि ये बाइक पे बैठा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से देखो, और शेडो एक साइड पे ही ऐड करना, ये नहीं कि आप लोग ने दो साइड पे ऐड किया, एक ही साइड में आपको ऐड करना। आपने अगर राइट साइड में ऐड किया तो पूरा आप लोग को राइट साइड में ही रखना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड में ऐड किया तो लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा आप लोग को,
मे बी आप लोग ध्यान रखो, अगर आप लोग सन का रिफ्लेक्टर या कुछ PNG यूज़ करते हो तो वो अभी जो है वो हम लोग का राइट साइड में रहेगा, यानी कि जो फोटो है फोटो के राइट साइड में रहेगा। तो हम लोग यहाँ से उसे मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का बाइक का जो एडिटिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ से जो है एक सन का रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। तो इसे हम लोग थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन से साइड में अच्छा लगता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग लेफ्ट साइड में ना रखें, अगर लेफ्ट साइड में आप लोग का शेडो है तो हम लोग राइट साइड में रख कर इसे कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये जो है ये बाइक पे भी इफेक्ट गिरे और ये लगे कि जो शेडो है हम लोग का वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहाँ से फिर ऐड फोटो कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो हम लोग यहाँ से पूरा जो है फोटो को सेव कर लेते हैं, एम्प्टी लेयर लेकर हम लोग यहाँ से इमेज को सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का फोटो रेडी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ से लाइट रूम में चले जाएंगे। लाइट रूम में जो है ये हम लोग का फोटो है, मैंने ऑलरेडी एक प्रीसेट बनाया हुआ है। तो प्रीसेट जो है ये है मूडी सिनेमैटिक #1। तो इसका जो सेटिंग्स है उसको हम लोग को जस्ट ऑल पे रख कर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद जो फोटो है हम लोग का वहाँ पे लेकर जाके 3 डॉट पे, यहाँ पे पेज सेटिंग लिखा रहा है तो हम लोग पेज सेटिंग कर देंगे। तो ये फोटो आप देख सकते हो कि पूरा एडिटिंग हो चुका है, कुछ मेहनत नहीं लगेगा आपको लाइट रूम में बहुत इजीली तरीके से। अगर आप लोग को मैनुअल सेटिंग्स कुछ चेंज करना है तो आप लोग इजी तरीके से चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी थोड़ा बहुत करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो जो इसका जो विगनेट है इसके मैं इसको थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ ताकि फोटो थोड़ा डार्क लगे। तो इसके कुछ मैनुअल सेटिंग्स है जो मैंने चेंज किए थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो आप लोग भी कुछ अगर आप लोग को चेंज करना रहेगा तो आप लोग भी चेंज कर सकते हो उसमें, बट मे भी ध्यान रखना कि कुछ ज़्यादा चेंज ना हो जाए वरना फोटो आप लोग को ख़राब होने का बहुत चांसेस रहेगा। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद इसका एक बार हम लोग रिव्यू देख लेंगे। तो फोटो काफ़ी बढ़िया बनी है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।